हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने 30,000 के अंदर टॉप 4 फ्लैगशिप कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, ऑलरेडी आपको पता है, अगर आप 30,000 रुपये स्पेंड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन मार्केट में इस टाइम पर 30,000 के प्राइस पॉइंट पर भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि किस ब्रांड की तरफ जाना चाहिए या फिर कौन सी कंपनी हमें प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम फीचर लोडेड स्मार्टफोन ऑफर कर रही है। इस वीडियो के अंदर मैंने रिसर्च एनालाइज रिव्यू करने के बाद ये टॉप 4 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेंगे और प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू फॉर मनी है। चलिए, इस वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला एज 40। ये स्मार्टफोन आपको अंडर 30,000 के देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी प्रीमियम डिज़ाइन दी गई है और दोस्तों, इसमें आपको फीचर क्या क्या देखने को मिलते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करें हम डिस्प्ले के, डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको POLED 6.55 इंच का कर्व डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जिसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, HDR10 प्लस की सपोर्ट दी गई है, 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसमें MediaTek का डायमेंसिटी 8020 आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट 13 पर भेज दिए, 8GB रैम, 128GB का बेस वेरिएंट है, UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज है, रियर पार्ट में डुअल कैमरा सेटअप है, मेन प्राइमरी कैमरा 50 MP का, 13 MP का अल्ट्रा वाइड डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ, रियर कैमरे से 4K 30fps में आप मैक्सिमम वीडियो इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है और फ्रंट से भी आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विद 30fps। स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4400 mAh की बैटरी, 4400 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 68W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है। इसका अंतुतु स्कोर आपको 7 लाख के अराउंड देखने को मिलता है। इसमें ओवरऑल आपको 4 कलर स्कीम दी गई हैं जो कि आप अपने पसंद के हिसाब से कोई सा कलर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक के दिए गए हैं, एल्युमिनियम का फ्रेम दिया गया है, 167 ग्राम का वेट है, 7.6 mm की थिकनेस है। डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, इस प्राइस पॉइंट पर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है ये, जो कि 30,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों प्लेटफॉर्म पर। अब बात करते हैं हम इस लिस्ट के सेकेंड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है दोस्तों वीवो की तरफ से, वीवो V27 नॉट अ प्रो ओनली 7। ये 30,000 के अंदर आता है और प्रो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। बात करते हैं वीवो V27 के स्पेक्स के बारे में। इसमें आपको AMOLED 6.78 इंच का आपको डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जिसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट, HDR10 प्लस की सपोर्ट दी गई है एंड इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं डिस्प्ले में। एंड MediaTek का डायमेंसिटी 7200 आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट 13 पर भेज है, फंटस 13 पर ये स्मार्टफोन रन करता है, 8GB रैम, 128GB का बेस वेरिएंट है एंड साथ ही इसमें आपको रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो लेंस एंड रिंग LED लाइट के साथ आपको 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60fps तक में मैक्सिमम, 50 MP का फ्रंट में सेल्फी कैमरा दिया गया है डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ और फ्रंट से भी आप 4K 60fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, OTG सपोर्ट करता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4600 mAh की बैटरी है, जिसके साथ 66W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है एंड इसमें आपको 4 कलर स्कीम देखने को मिलती हैं। 6,15,000 के अराउंड स्मार्टफोन का अंतुतु स्कोर जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड बात करें स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इसमें बैक में आपको कलर चेंजिंग बैक पैनल देखने को मिलता है, ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर दी गई है एंड साथ ही 180 ग्राम का वेट है और 7.4 mm की थिकनेस। ये स्मार्टफोन लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम है, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। कर्व डिस्प्ले के साथ, वीवो की ब्रांडिंग के साथ इन हैंड फील आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है रियलमी की तरफ से 11 Pro Plus। ये स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आपको कर्व डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है और ये आपको 27 या फिर 28,000 का पड़ जाएगा। रियलमी की तरफ से अभी तक सबसे पहला लेटेस्ट स्मार्टफोन यही है रियलमी 11 Pro इस प्राइस पॉइंट पर प्लस, ओके, जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले पैनल दिया गया है AMOLED 6.7 इंचेस का, जिसमें HDR10 प्लस की सपोर्ट है, 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसमें MediaTek का डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर दिया गया है, 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट 13 पर भेज है और Realme UI 4.0 पर यह स्मार्टफोन रन करता है। 8GB रैम, 256GB का आपको सिंगल वेरियंट नहीं दिया गया है, ये बेस वेरियंट है और टॉप वेरियंट आपको देखने को मिलता है 1TB विद 12GB रैम, ओके, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं अगर नीड है आपको तब। बाकी रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 200 MP का मेन प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो लेंस एंड 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरे से। फ्रंट में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा,
स्टीरियो स्पीकर्स हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5000 एमएच की बैटरी है एंड 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है। एस्टल ब्लैक, सनराइज बींग, ऑसिस ग्रीन, ये तीन प्रीमियम कलर्स की ऑफर की गई हैं, जो कि आप इनमें से कोई सा कलर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। 6 लाख के अराउंड स्मार्टफोन का अंतु स्कोर जाता है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों बैक और फ्रेम दोनों आपको प्लास्टिक के दिए गए हैं। बैक में आपको यूनिक टाइप की डिजाइन दी गई जो कि आपको पसंद आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। 183 ग्राम का वेट है, 8.2 mm की थिकनेस है। नो डाउट स्मार्टफोन लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम है, डेफिनेटली इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इस लिस्ट के फोर्थ स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है दोस्तों नथिंग की तरफ से, नथिंग फोन 1। ये स्मार्टफोन भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ प्रीमियम फीचर ऑफर करता है, जो कि आपको स्टेप बाई स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लाइक स्मार्टफोन में आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगेगा, जैसे कि आप ऑफिशियल वीडियो में भी देख पा रहे होगे, और अगर आपके फ्रेंड लोग ने परचेस किया होगा तो आपने लाइक इन हैंड फील भी देखी होगी, कैसी आपको प्रीमियम देखने को मिलती है। इसमें OLED 6.55 इंच का डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, जिसमें 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट है, HDR 10 प्लस की सपोर्ट है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और AOD फंक्शन भी आता है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6 नैनोमीटर के साथ आता है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर देखने को मिलेगा, जो कि अपग्रेडेबल एंड्रॉइड 13 है। एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन नथिंग OS 2.0 पर रन करता है, जो कि काफ़ी यूनिक टाइप का यूजर इंटरफेस है। इसमें 8GB रैम, 128GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज है, रियर पार्ट में ड्यूअल कैमरा सेटअप है, 50-50 मेगापिक्सल के दो कैमरा सेटअप हैं, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps में। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, OTG सपोर्ट करता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4500 mAh की बैटरी है, जिसके साथ आपको लाइक 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है। दो प्रीमियम कलर स्कीम ऑफर की गई हैं, वाइट एंड ब्लैक। इसमें आपको लाइक 6 लाख के अराउंड अंतु स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है इस प्राइस पॉइंट पर। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बैक में और फ्रंट में दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, लाइक दोनों में आपको ग्लास पैनल दिया गया है। एल्युमिनियम का फ्रेम है, 193.5 ग्राम का वेट है, 8.3 mm की थिकनेस है, और इस स्मार्टफोन की बैक की डिज़ाइन में लाइक ग्लास पैनल में आपको मल्टीपल LED लाइट्स देखने को मिलेंगी, जो कि इस स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा यूनिक कर देता है। तो डेफिनेटली इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट 30,000 के प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चारों स्मार्टफोन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही अपने फीचर्स के बेसिस पर एंड ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इनमें से कोई सा स्मार्टफोन भी बाय कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली बार ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।